हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक एट सीएल करियर एकेडमी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन का मार्जिन रहता ही है, तो ये चैप्टर भी एक अच्छी वेटेज के साथ हम देखेंगे, तो इसके अच्छे PYQ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम्स, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आज टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो स्क्रीन पर देख रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ये 2023 में पूछा गया है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसका लिंक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी है, बट अब एक क्वेश्चन लिया हमें, यहाँ सोल्व तो करना ही है इसको। ओके, तो अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। बच्चों हमारे इस चैप्टर में भी डिजीज वाले में है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। एड्स को प्रॉपर डिफाइन कर रखा है, तो यहां पर हम देखते हैं कि कौन सी है जिसको हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। अगर उसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो उसको हम प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। बच्चों तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, पहले ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन गोनेरिया, सेकेंड हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन सी, और डी है जेनिटल हर्प्स। अगर हम यहाँ देखें STD की अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को हम दूसरा नाम भी देते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन STI एंड VD वेनरल डिजीज। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे STI को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और VD से हमने देखा वेनरल डिजीज। तो अगर यहां पर VD लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। VD भी क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है बच्चों। तो कंप्लीटली क्योरेबल कौन सी इसमें से, गोनेरिया है। गोनेरिया जो है निष्क्रिया बैक्टीरियल डिजीज है, ये निष्क्रिया गोनेरिया से होता है, इसका कॉजिटिव एजेंट निष्क्रिया गोनेरिया है। इसको अगर हम डायग्नोस करें तो ये अर्ली डायग्नोसिस से ये बिल्कुल क्योर हो सकती है, बट जो हेपेटाइटिस बी है, HIV इंफेक्शन एंड जेनिटल हर्प, ये क्योरेबल नहीं है, नॉट क्योरेबल। इनको हम परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते। अगर हम इनका अगर इन्फेक्टिव एजेंट देखें तो जेनिटल हर्प जो होती है वो हर्प सिंप्लेक्स वायरस से होगी। HIV आपको पता है एड्स कॉज करता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है। तो इनमें से गोनेरिया जो है वो क्योरेबल है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ए रहेगा। क्वेश्चन सेकेंड, इन विच ब्लड कॉर्पसल्स द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि HIV जो होगा हमारा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस रेप्लिकेशन कॉज करेगा एंड प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, इनमें से कौन सी ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर वो ऐसा कर रहा है। ऑप्शन चेक करते हैं, बी लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इसेनोफिल, TH सेल। TH को बोलते हैं बच्चे हेल्पर टी सेल। अगर हम बात करें HIV वायरस की तो जो HIV वायरस होगा बच्चे, ये HIV वायरस है, इट इज ए ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस। जब ये किसी होस्ट पर एक्ट करता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा होस्ट है, इस पे जब इसने अटैक किया तो ये अटैक करता है स्पेशल 2 टाइप के सेल्स जो बॉडी में है हमारी, मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर सेल। अब यहां ऑप्शन में चेक करते हैं कि रेप्लिकेशन और अपनी प्रोजेनी को वो इंक्रीज करता है, तो जैसे ही ये वायरस इस पे अटैक करेगा तो यहां पर इस होस्ट में जो न्यूक्लियस है बच्चे, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, DNA, तो यहां पर ये क्या करता है, ये आपके सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है,
और ये क्या है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो एचआईवी वायरस बहुत समझदार है ना, कैसे समझदार है कि वो अपने पास सारी मशीनरी तैयार करके लाता है, उसके पास खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी है सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है जो क्या करेगा आरएनए से डीएनए प्रोड्यूस करेगा। अब ये सबसे पहले क्या करेगा आरएनए से डीएनए, अब ये डीएनए इस न्यूक्लियस के डीएनए में जाएगा और इसको इनकॉर्पोरेट करेगा, इस पे अटैच होगा और बहुत सारी प्रोजेनी यानी वायरस जो है इंफेक्टिव वायरल प्रोजेनी पैदा करेगा। तो इसने अपना रेप्लिकेशन बढ़ाने के लिए क्या किया होस्ट की मशीनरी का इस्तेमाल किया, इज दैट क्लियर। तो इसने कौन सी सेल पर अटैक किया, ये दो टाइप के सेल पर अटैक करता है, मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर सेल। अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर टी एच सेल है, अगर यहाँ पर किसी बच्चे को ये डाउट है मैम टी एच सेल अगर नहीं है तो इसको याद रखना सी डी फोर प्लस टी सेल भी बोलते, इट इज अ टाइप ऑफ टी सेल, या हम इसको हेल्पर टी सेल बोलेंगे या टी एच सेल बोलेंगे, ठीक है। तो 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है, यहां से क्या याद रखना है, एचआईवी इज ए ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस की कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसके नाम में ही रेट्रो वर्ड आ गया, तो इसने प्रोसेस को पीछे जाके यानी आरएनए से इसने डीएनए बनाया है, तो वायरस आरएनए से डीएनए बनाते हैं, इसके लिए उस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लेकर आए हैं, अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लेकर आए हैं, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना था बच्चों, इसका करेक्ट आंसर था हमारा टी हेल्पर सेल के अंदर वो अपना रेप्लिकेशन करेगा और अपनी प्रोजेनी वायरस जो है वो पैदा करेगा, इज दैट क्लियर। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ये भी 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, यहां मैच देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम स्मॉल कर देते ताकि आपको ऑप्शन अच्छे से विजिबल हो जाए, ओके। अब चेक करते हैं ए हीरोइन, हीरोइन क्या है, इसको कैसे मैच करें, देखो बच्चे हीरोइन को बेसिकली स्मैक के नाम से जाना जाता है, ये एक ड्रग है, ओपाइड ड्रग है, पॉपी प्लांट से इसको लिया गया, पॉपी प्लांट से इसको हमने विड्रॉ किया है। तो क्या करेगा ये हीरोइन जो है बच्चे, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर स्लो डाउन करेगा हमारी बॉडी के फंक्शन को, ठीक है, क्या करेगा ये स्लो डाउन करेगा। मैरिजुएना क्या है बच्चे, मैरिजुएना हमारा कैनाबिनॉइड्स है, ये भी एक टाइप का ड्रग है। अब इसको हम देखें तो ये क्या करेगा, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यस ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ओके। कोकीन क्या करेगा, कोकीन जो है हमारा इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। एनसीईआरटी में तीन टाइप के ड्रग गिवन है, ओपाइड, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका, ठीक है, या हम उसको बोलते हैं इरिथ्रोजाइलम, कोका प्लांट से निकला है कोकीन, इसको हम कॉक भी बोलते हैं, कॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के इंट्रैक्शन को इंटरफियर करता है। मॉर्फिन जो है ये सिडेटिव पेन किलर है, ये हम मेडिसिन में भी यूज करते हैं, सिडेटिव पेन किलर है। तो हीरोइन क्या था हमारा, मेटाबोलिज्म बॉडी का स्लो डाउन करेगा। तो ये जो ड्रग है बच्चे, ड्रग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आपको ध्यान से एनसीईआरटी से उनके सिम्टम्स पढ़ने हैं, उनके रिसेप्टर देखने हैं, किस टाइप का वो ड्रग है और उनका क्या एक्शन रहेगा बॉडी पे। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारे चार टाइप हमने देखा, हीरोइन, मैरिजुआना, कोकीन एंड मॉर्फिन, ये सिडेटिव पेन किलर है, कोकीन कोका प्लांट से लिया है, मैरिजुआना कैनाबिनॉइड्स ड्रग है और हीरोइन हमारा क्या, ओपाइड टाइप का ड्रग है, ओके। तो उसका करेक्ट आंसर हम चेक कर लेते हैं, यहां पर मैच हमने कर ही लिया, फर्स्ट जो हमारा ए है क्या है ये, इसको चेक करते हैं, हीरोइन, हीरोइन का अगर हम देखें तो हीरोइन का क्या मैच आता है, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, तो इसका सेकंड ठीक है, एंड हमारा मेरी जो है ना कार्डियोवास्कुलर, ठीक है,
कोकीन हमारा डोपामाइन को, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चे ऑप्शन डी। इस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन फोर, ये भी मैच द फॉलोइंग है, इसको भी थोड़ा सा स्मॉल फिर से करना पड़ेगा, इजिली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, रिंग वॉर्म एंड उनके कॉजेटिव एजेंट के साथ मैच करना है। जो रिंग वॉर्म है, रिंग वॉर्म का जो कॉजेटिव एजेंट है वो ट्राइकोफाइटोन है। अब यहाँ ट्राइकोफाइटोन है बट इसके जेनरा देखे तो उसके जेनरा में और क्या आएगा, रेदर देन द ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटोन। तो रिंग वॉर्म जो डिजीज है उसके ये तीन टाइप के जेनरा है, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन, जिससे रिंग वॉर्म डिजीज, ये एक फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज है। ठीक है, फिलरियसिस जो है ये एक वॉर्म डिजीज है, कीड़े से होती है, या हम इसको बोलते हैं हेलमेंथिस। अब इसका अगर हम देखें कॉजेटिव एजेंट तो इसका है वुशरिया बेनोक्राफ्टी, सेकेंड का है वुशरिया बेनोक्राफ्टी। ठीक है, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है। अब यहां पर प्लाज्मोडियम विवेक्स गिवन है तो गलत नहीं करना है, क्योंकि इसी की अब हम देखें तो इसी की स्पीसीज है ये प्लाज्मोडियम की। निमोनिया जो होता है वो किससे होता है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजे से। तो इसका करेक्ट मैच क्या रहेगा, ए का हमारा जो है टू है, क्लियर है। बी हमारा जो है फिलरेसिस, उसका बी का क्या रहेगा बच्चे, जो फिलरेसिस है वो हमारा किससे होता है, वुशरिया बेनोक्राफ्टी से होता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए, डी। डी का हमारा निमोनिया का फर्स्ट हो जाएगा, सी है जो हमारा मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। अब ये आपको थोड़ा सा मैच में ध्यान रखना है, हम क्या करते हैं कि मैच यहां करना है हमें पहले, और बाद में अपने आंसर को मैच करके देखना है। हम सीधा यहाँ ऑप्शन लगाने लग जाते हैं तो कई बार गड़बड़ हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो मैच वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्लियरली मैच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन। अब ये ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, जैसे कॉर्निया है, किडनी है, कुछ ऐसे ऑर्गन है जिनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो वहां पर ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए बॉडी में किस तरह का इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सा रीजन आएगा हमारा, सेल मीडिएटेड, ऑप्शन ए ही करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम बोलेंगे CMIS, सेल मीडिएट इम्यूनिटी सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, जो किसकी वजह से एसोसिएटेड होती है, टी टाइप की लिम्फोसाइट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको हो सकता है यहां लिम्फोसाइट दे दिया जाए, टी बी लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, डब्ल्यूबीसी की कोई भी टाइप दे दे, तो आपको थोड़ा याद रखना है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए सेल मीडिएट इम्यूनिटी सिस्टम वर्क करेगा। इज दैट क्लियर? सिक्स, फिर से मैच आ गया है, मैच वाले क्वेश्चन फिर से बोलूंगी, ध्यान से करो बच्चों। अब यहां पर आते हैं हमारे चार टाइप के बैरियर, इनको मैच करना है। ये जो बैरियर है चारों टाइप के, पहले आपको बताना चाहूंगी ये चारों टाइप के बैरियर हमारे इनेट इम्यूनिटी के बैरियर है, ये इनेट इम्यूनिटी। अब इनेट से कैसे याद करो, इन, इन मतलब अंदर, जो इन बोर्न है, जो हमने आफ्टर बर्थ नहीं एक्वायर किया, उसको हमें पेरेंट्स से, या हमारी इनबोर्न है वो, हमारे पास इम्यूनिटी इनबोर्न है, पेरेंट्स से आई है। ठीक है, सेलुलर बैरियर जो है पहला टाइप का, अगर हम देखें सेलुलर, सेल्स के लिए पूछा गया है, तो यहां पर आएगा बच्चों सेलुलर आएगा न्यूट्रोफिल्स, सेलुलर क्या है न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसी या पीएमएनएल के नाम से भी आ सकता है, पोली मॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। इज दैट क्लियर? क्योंकि डब्ल्यूबीसी की जो शेप है वो फिक्स नहीं है, इरेगुलर शेप का, उसका जो न्यूक्लियस है वो एक से ज्यादा लोब में प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे पोली मॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। यू कैन से दैट यहां पर पी एम एन एल ऑप्शन में होता या मोनोसाइट ऑप्शन में होता, ठीक है, मैक्रोफाज होता, तो हम उसको करेक्ट करते।
साइटोकाइन बैरियर जो होते हैं वो इंटरफेरोन रिलीज करते हैं। अब इंटरफेरोन क्या है, जब कोई एक सेल वायरस से अफेक्टेड होती है तो वायरस इंफेक्टेड सेल एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करती है कि उससे दूसरा वायरस से अफेक्ट ना हो दूसरी हमारी आसपास की सेल, तो उसको बोलेंगे इंटरफेरोन। क्या बोलेंगे? इंटरफेरोन। ओके, तो याद कैसे रखना है बच्चों, ये काइंड ऑफ प्रोटीन है, किसने प्रोड्यूस किया है, वायरस इंफेक्टेड सेल ने। किस लिए प्रोड्यूस किया है? कि जो उसके साइड वाली सेल है वो फिर से वायरस से अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये एक सेलुलर मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहा है साइटोकाइनिन जो है इंटरफेरोन से। फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करें, फिजिकल के लिए हमारी जो स्किन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और उसके साथ और क्या आएगा बच्चे, म्यूकस। म्यूकस आपको पता है हमारे जो जेनिटल ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वहां पर म्यूकस सिक्रीट होता है। तो ये फिजिकल बैरियर हो गया किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने के लिए। फिजियोलॉजिकल, अब ये थोड़ा सा वर्ड बड़ा है, फिजियोलॉजिकल होता है सिक्रीशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ सिक्रीशन जैसे HCl इन गैस्ट्रिक जूस हो गया, सलाइवा इन माउथ हो गया, ओके, या फिर हम बोले टीयर हो गए, टीयर ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा HCl इन गैस्ट्रिक जूस। तो इसको मैच कर सकते हैं। तो ये आपको चार टाइप के बैरियर याद रखने हैं, जो इनेट इम्यूनिटी के बैरियर है। और इनेट इम्यूनिटी कैसी होती है, जो हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक, जो हमें पेरेंट से एज इट इज हमें इनबोर्न जब हम पैदा हुए तभी हमें मिली है, हमने आफ्टर बर्थ इसको एक्वायर नहीं किया है। तो इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स बन जाते हैं इसके बैरियर से, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लर्न रखना। क्वेश्चन 7 2022 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ऑन सेल एज ए फॉरेन बॉडी। बिल्कुल करेक्ट है, ऑटो मीन्स सेल्फ। अब क्या हो रहा है यहां पर, ये ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी अपने आप अपनी सेल को एज ए फॉरेन बॉडीज की तरह रिकॉग्नाइज कर रही है, तभी ऐसा डिसऑर्डर होता है हमें, ठीक है। अब देखते हैं न्यूमोमेटॉइड्स अर्थराइटिस रियूमेटिड्स, इसकी थोड़ी सी प्रोनंसिएशन ऐसी रहती है, हम कई बार इसको अलग पढ़ लेते हैं। अर्थराइटिस एक कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल। बेटा ये गलत हो गया, अब ये इसी का तो एग्जाम्पल था, यहां नॉट नहीं आना चाहिए था। अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही है ये अर्थराइटिस, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर इसने अपनी सेल्फ सेल को ही अटैक किया है। और जब सेल्फ सेल को ही हम एज ए सेल्फ सेल इस पर अटैक करेंगे तो सेल्फ सेल को खाना शुरू कर देगी। इस डिजीज में क्या होता है कि ये एबिलिटी नहीं, पहचान नहीं पाती, सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते, इस डिजीज को हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये इसी का एग्जांपल था, बट इसने लिखा डज नॉट, इसीलिए स्टेटमेंट टू हमारी इनकॉरेक्ट हो गई। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकॉरेक्ट, इसका ऑप्शन आएगा बच्चे सी, पहला करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेक करना बच्चे, सबका अपना अपना होता है। मैं बोलती इसको रियूमेटॉइड्स, तो आप क्या बोलोगे वो देख लेना। क्वेश्चन 8, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसको याद कैसे रखोगे, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ हमने जिसको एक्वायर किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आफ्टर बर्थ वाली इम्यूनिटी है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं हमारा ऑप्शन, प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस व्हेन आउट बॉडी एनकाउंटर ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स तभी आता है जब पहली बार कोई पैथोजन अटैक करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमने क्या पता करना है बच्चों, इनकोरेक्ट करना है। एनामनिस्टिक रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन। एनामनिस्टिक का मतलब होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जब फॉर एग्जाम्पल पहली बार मुझे मलेरिया हुआ, समझना,
जब मलेरिया हुआ तो फर्स्ट टाइम मेरी बॉडी पे उस पैथोजन ने अटैक किया है, तो फर्स्ट टाइम मेरी बॉडी उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स देगी। बट सेम टाइम साइमल्टेनियसली मान लो मुझे फ्रिक्वेंटली फिर से मलेरिया हो रहा है सेकेंड टाइम पे, तो मेरी बॉडी अब क्या करेगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी कम है तो मेरी बॉडी अब उसके लिए एनाम्निस्टिक रिस्पॉन्स देगी, यानी जो रिस्पॉन्स होगा वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि अब उसको याद रह गया है कि मुझे मलेरिया हुआ था तो इस पैरासाइट से या इस प्लाज्मोडियम से मुझे हो रहा है। तो बॉडी क्या करती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है बच्चे, वो हमारा मेमोरी बेस्ड होता है, ये याद रखना है, मेमोरी बेस्ड होता है और स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पर एनाम्निस्टिक रिस्पॉन्स जो है वो हमारा कब आता है, सेम पैथोजन के एनकाउंटर करने से आता है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्या है और गड़बड़। एनाम्निस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू द मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ये गलत है, ये गलत लिखा किस लिए, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है, बट ये क्या है, स्पेसिफिक है। इसको याद है बच्चे कि कौन सा पैथोजन जो है किस टाइम पे अटैक किया है, तो अगली बार सेम पैथोजन अटैक करेगा तो वो अपना रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी को बढ़ा देती है। ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन से आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही लाइने इसी फॉर्म में लिखी हुई हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। तो यू शुड रीड केयरफुली एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसका हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता चल गई है कि हमारा ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट है। 2022 का क्वेश्चन था ये, एनाम्निस्टिक जहां पर किसी को क्लियर नहीं है तो उसको रिमार्क कर लेना, सेकंड रिस्पॉन्स होता है। द इंफेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी, अब प्लाज्मोडियम जो है हमारी, प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो, इसका इंफेक्शियस स्टेज बताना है, ठीक है। अब याद रखना बच्चे, जो प्लाज्मोडियम है उसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्राइमरी होस्ट होता है, इट रिक्वायर टू होस्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट, रिक्वायर टू होस्ट, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी यहां पर मॉस्किटो की बॉडी होती है और सेकेंडरी यहां पर ह्यूमन बॉडी है, ध्यान से समझना बच्चों। अब ये क्या करेगा, ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये मॉस्किटो के अंदर अपनी इंफेक्शियस स्टेज को बना लेता है, ये जो इंफेक्शियस स्टेज है इसको बोलते हैं हम स्पोरोजोइट। तो इसका करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, स्पोरोजोइट हमारी इंफेक्शियस स्टेज है। अब इस मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजोइट आ गए हैं, अब ये मॉस्किटो इस ह्यूमन पे अटैक करेगा तो ह्यूमन इसका क्या बन जाएगा, इस पैरासाइट का सेकेंडरी होस्ट बन जाएगा। ये जो मॉस्किटो है वो क्या है, हमारी फीमेल एनोफिलीज है, फीमेल एनोफिलीज है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम मेल नहीं काटता, मेल भी काटता है, बट बच्चे मेल जो है वो हमारे एज अ ब्लड को मील नहीं लेता है, वो फ्रूट जो होता है जूसी पार्ट को लेता है प्लांट से। यहां पर जो फीमेल है उसको अपना एग प्रोडक्शन करना है तो इसीलिए उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और हमारी बॉडी में कैल्शियम है, हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर कैल्शियम है तो इसीलिए इसको रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ह्यूमन को ब्लड को वो चूसती है ऐसे, ओके। तो याद कैसे रखना है, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। तो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट एक इंफेक्शियस स्टेज है, वो ह्यूमन में अटैक करता है तो ये स्पोरोजोइट हमारी लीवर सेल पे अटैक करेंगे। फर्स्टली अटैक ऑन लीवर, फर्स्टली अटैक ऑन लीवर, देन यहां पर इनका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, नंबर इंक्रीज हो जाएगा, देन अटैक ऑन रेड ब्लड सेल, ठीक है। यहां पर भी ये ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे और आरबीसी को क्या करना शुरू करेंगे, रप्चर। आरबीसी जब रप्चर होगी तो यहां पर हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा जिसकी वजह से हमें बार बार ठिठुरना, बार बार फीवर आना, ये सिर्फ इस हीमोजोइन की वजह से होता है, हीमोजोइन एन आएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें थोड़ा पता चल गया। तो मलेरिया की लाइफ साइकिल आप एनसीईआरटी से देखना बच्चे, वहां मेंशन करना प्राइमरी होस्ट क्या है, सेकेंडरी होस्ट क्या है। कैसे याद रखोगे कि मॉस्किटो की बॉडी में स्पोरोजोइट है तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में है स्पोरोजोइट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, स्पोरोजोइट। क्वेश्चन 10,
आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी 2020 का क्वेश्चन. When ready-made antibodies are directly given, it is called passive. बिल्कुल ठीक है. जब हम ready-made antibodies देते हैं उनको हम passive बोलते हैं. Okay, passive बोलेंगे. Active immunity is quick and gives full response. नहीं बच्चे, active immunity जो है वो body के अंदर बन रहा है, ready-made form में नहीं जा रहा. तो अब body के अंदर बन रहा है तो उसका जो effect है वो fully तो होगा और effective भी होगा, but उसका जो काम करने का तरीका है वो बहुत धीरे धीरे होता है. क्विक के लिए तो हम पैसिव ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे कोरोना हुआ तो मैंने उसके लिए वैक्सीन लगवाई. क्यों लगवाई? क्योंकि बाहर से रेडीमेड फॉर्म में जब हम उस एंटीबॉडीज को ले रहे हैं तो मेरी इम्यूनिटी बूस्टअप हो गई बहुत क्विकली. ठीक है, तो पैसिव होता है क्विकली. बट यहां ये गलत दे दिया इसने, यहां आना था हमारा स्लो डाउन. ठीक है, तो इसीलिए हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बी ही है. अब सी भी देख लेते हैं. फिटस रिसीव द एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर. बिल्कुल रिसीव करता है फिटस मदर से. इज एन एग्जांपल ऑफ, वो भी पैसिव का एग्जांपल है. व्हेन एक्सपोज्ड टू एंटीजन, वो लिविंग है या डेड है, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. बिल्कुल करेक्ट है. तो इसमें गलत क्या है हमारा? ऑप्शन बी गलत था, क्योंकि हमारी एक्टिव इम्यूनिटी क्विक रिस्पॉन्स नहीं देती. द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम एक येलोइश फ्लूइड है. मैमरी ग्लैंड ऑफ मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, उसमें अबंडेंट अमाउंट में एंटीबॉडीज IgA. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है. IgA कौन सी इम्यूनिटी? इम्यूनोग्लोबुलिन होता है कोलोस्ट्रम में, IgA. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज. अब ये देखो, यहां पर मदर फीड करा रही है, मदर न्यू बोर्न चाइल्ड को फीड करा रही है. फीड न्यू बोर्न चाइल्ड. अब ये इसको फीड करा रही है तो उसको रेडीमेड फॉर्म में दे रही है, रेडीमेड फॉर्म में एंटीबॉडीज दे रही है. तो किस चीज का एग्जांपल होना चाहिए था? एक्टिव नहीं हो सकता, एक्वायर्ड नहीं है, ऑटोइम्यूनिटी नहीं. तो उसका करेक्ट आंसर है बच्चे पैसिव इम्यूनिटी. बच्चे के पास नहीं है अभी, वो रेडीमेड फॉर्म में उसको माँ का जो मिल्क है, क्योंकि उसके पास जो येलोइश मिल्क है कोलोस्ट्रम जिसे हम कह रहे हैं, उसके पास IgA है जो एक रेडीमेड फॉर्म में हम देते हैं, इसीलिए इट इज एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन 12, कोलेस्ट्रम. फिर से सेम क्वेश्चन, बट हो सकता है इसमें कुछ अलग पूछा है. कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर. ठीक है, वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट द इम्यूनिटी टू द न्यू बोर्न इन्फेंट बिकॉज इट कंटेन्स. अब यहां पर इम्यूनिटी नहीं पूछा, यहां पूछा है उसके पास ऐसा क्या है. नेचुरल किलर सेल नहीं, मोनोसाइट नहीं, मैक्रोफेज नहीं. सीधा सीधा आंसर है बच्चे, अभी हमने किया था, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA टाइप की एंटीबॉडी गिवन है कोलेस्ट्रॉम में. ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा डी. 13 क्वेश्चन, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय. अब ये बिल्कुल सीधा लर्न करने के क्वेश्चन है बच्चे. यहां से ये जो हीरोइन है ये ओपाइड ड्रग है. ठीक है, जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? स्मैक बोलते हैं. तो केमिकली, केमिकली अगर हम देखें तो केमिकली इसका अगर हम केमिकली स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है डाई एसिटाइल मॉर्फाइन. अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा? एसिटाइलेशन करना पड़ेगा. जब आप एसिटाइलेशन करोगे मॉर्फाइन का तब आपको हीरोइन मिलेगी या स्मैक मिलेगा. तो यहां से मिथाइलेशन गलत है, एसिटाइलेशन करेक्ट आंसर है, ग्लाइकोसाइलेशन, नाइट्रेशन ये सब गलत है. सीधा सीधा आंसर हमें पता चल गया है क्योंकि केमिकली इसका नाम क्या है? डाईएसिटाइल. तो आपको करना क्या है? इसका एसिटाइलेशन ही तो करना पड़ेगा, है ना. तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. 2019 का क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट बताना है टाइफाइड के लिए. प्लाज्मोडियम विवेक्स. बिल्कुल नहीं बच्चे, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, सेल मोनेला टाइफी से होती है. तो सेल मोनेला टाइफी देख लेते हैं, ऑप्शन सी और डी में है. बट फिर इसका टेस्ट और बताना है तो इसका टेस्ट है विडाल टेस्ट. ठीक है, विडाल टेस्ट. तो इसका ऑप्शन आएगा डी. विडाल टेस्ट जो है ये किस चीज पे बेस है? एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन पे.
एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे बेस्ड है ये टेस्ट, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है टाइफाइड जो है पॉजिटिव एजेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, मोनेरा यानी बैक्टीरियल ग्रुप है ये, ठीक है 2019 का क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे, पॉजिटिव एजेंट सभी डिजीज के आपको लर्न रखने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है एटलीस्ट उनके। विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट ठीक है यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। अभी मैंने बताया था बच्चों स्मैक मीन्स यहां पर इसको हीरोइन बोलते हैं, ठीक है। अब पॉपी प्लांट जो है उसका अगर साइंटिफिक नेम देखे पैपेवर सोमिनीफेरम, हो सकता है यहां पर आपको पेपेर सोमिनीफेरम इसका साइंटिफिक नेम दे दे। तो ये किस पार्ट से ऑब्टेन होता है इस प्लांट के, फ्लावर से, लेटेक्स, रूट, लीव्स? फ्लावर से नहीं होगा, लेटेक्स से। लेटेक्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि यहां पर हमारा एसिटाइलेशन करना है मॉर्फिन का, तो हमें उसकी लेटेक्स से मिलता है ये पॉपी प्लांट जो है, उसकी लेटेक्स से हमें स्मैक मिल रही है, ओके, जिसको हम हीरोइन नाम भी देते हैं। 16 माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स परसेंट ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू। अब सबसे पहले तो माल्ट क्या होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और ये हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू का हिस्सा है, प्राइमरी नहीं बोलेंगे हम, प्राइमरी में हमारा बोन मैरो रहता है और थाइमस रहता है। अब ये कह रहे हैं म्यूकोसल, अब आपको म्यूकोसल से याद रखना है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी देखा था हमने डाइजेशन में पढ़ा था, ऐसे ही हमारे जो भी एपिथेलियल लाइनिंग होगी म्यूकस की, जैसे कि यूरोजेंटियल ट्रैक्ट में हो गई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था, अब ये चैप्टर डिलीट हो गया, और हमने कहां देखा था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये जो हमारा पैसेज है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन तीनों ट्रैक्ट की लाइनिंग पे जो म्यूकोसल है, यहां इस लिम्फोइड टिश्यू से जो म्यूकस निकलता है जो हमारे ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है, फॉरेन एंटीजन को ट्रैप करता है और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा बॉडी को उनको किल करके, तो हमारी बॉडी में इसका कितना बड़ा रोल है समझो बच्चों, 50% इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि जो ह्यूमन की बॉडी है 50% वो माल्ट से एसोसिएटेड है। इज दैट क्लियर? म्यूकस यहां रिलीज होता है, थोड़ा सा वो वैक्सी सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेगा, उसको मार गिराएगा और आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इज दैट क्लियर? 17 क्वेश्चन, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब एक क्वेश्चन तो यहां से ये बन गया कि मॉस्किटो से ट्रांसमिशन हो रहा है, पैथोजन कॉज क्रॉनिक, अब क्रॉनिक क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग, एक बारी में नहीं पता चलेगा, शॉर्ट टाइम नहीं है ये, काफी लंबे समय बाद पता चलता है, तो क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग पीरियड। तो अब ये कह रहा है कि मॉस्किटो ट्रांसमिशन से हो रहा है वो पैथोजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करता है, हमारी लिम्फेटिक जो वेसल्स है वो इन्फ्लेमेटेड हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी डिजीज में होता है, एलिफेंटियसिस, सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। इसको हम और क्या नाम देते हैं, फिलरियसिस, किससे होती है ये, वॉर्म से होती है, एलमेंथिक डिजीज है ये, एलमेंथिक डिजीज है, ठीक है। तो इसमें इसका नाम एलिफेंटेसिस इसीलिए पड़ा कि जो हमारा लोअर पार्ट होता है एब्डोमेन से, जो हमारे लिम्स होते हैं लोअर पार्ट में, तो वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बिल्कुल हाथी की जैसे सूज जाता है वो, इसीलिए इसको नाम रखा गया एलिफेंटेसिस। और बहुत सारा और भी इफेक्ट होते हैं, दूसरे पार्ट को भी इफेक्ट होता है, जेनिटल पार्ट को भी इफेक्ट होता है इस डिजीज में, और इसका जो कैरियर है वो मॉस्किटो ट्रांसमिशन है, ये भी याद रखना है। इज दैट क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चे ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट्स कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड राइनो वायरस। बिल्कुल गलत, राइनो वायरस का ग्रुप नहीं है, इट्स रेट्रो वायरस का ग्रुप है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ए पैथोजन स्पेसिफिक
एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक ठीक है, द एग्जग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। अब ये कह रहा है बच्चे ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी नहीं है बच्चे, ये एलर्जी आएगा, एलर्जी एकदम से हम बहुत हमारा अनड्यू रिस्पॉन्स आता है सेंटीजन के लिए, उसको हम एलर्जी बोलते, ऑटो इम्यूनिटी नहीं बोलते। ऑटो इम्यूनिटी में तो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते। बोन मैरो फिल्टर द ब्लड बाय ट्रैपिंग द ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये फिल्ट्रेशन का काम जो है स्प्लीन करेगा, स्प्लीन, और ये हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, और बोन मैरो हमारा क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गई। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम क्या है, प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट, माइक्रो मतलब स्मॉल, एक छोटा सा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है किसके लिए, मैच्योरेशन के लिए। यहां पर मैच्योरेशन के लिए हमारी जो एंटीबॉडीज है उनका यहां मैच्योरेशन हो रहा है, माइक्रो एनवायरमेंट करेगा, तो हमारा डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ए पैथोजन स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक और मेमोरी बेस्ड भी है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 18 का ऑप्शन बी। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब देखो बच्चे, बैक्टीरिया का सेट पूछा है, टेटनस, टेटनस जो है बच्चे ठीक है वो बैक्टीरियल डिजीज है, बट मम्स नहीं है, हर्प्स एक वायरल है, इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरियल है, इसीलिए ये सेट गलत है। ऑप्शन सी में कोलेरा एंड टेटनस ये दोनों ही बैक्टीरियल है, ये वाला सेट दोनों ही क्या है, बैक्टीरियल है, तो करेक्ट आंसर सी रहेगा। और डी किस लिए गलत है कि उसमें स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरल है, तो क्वेश्चन 19 का जो है वो करेक्ट आंसर बच्चे हमारा ऑप्शन सी रहेगा। अगर हम इनका कॉजेटिव एजेंट देखें तो आपको पता है बच्चे कोलेरा क्या होगा हमारा, इसका कॉजेटिव एजेंट हमने देखा था ना, विब्रियो कोलेरिए, ठीक है, और टेटनस का क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनस का है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है, और कोलेरा का है विब्रियो कोलेरिए, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कोलेरा एंड टेटनस हमारा करेक्ट सेट है बैक्टीरियल डिजीज का। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV। एड्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं बच्चे। अब ये कह रहा है जो एड्स का कॉजेटिव एजेंट है वो HIV है, अब उसके रिस्पेक्टिव करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। HIV इज अनडेवलप्ड रेट्रोवायरस, गलत, अनडेवलप्ड नहीं है बच्चे, डेवलप्ड रेट्रोवायरस आएगा। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, डज नॉट एस्केप, ये भी गलत हो गया। HIV इज अनडेवलप्ड वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांस, बिल्कुल गलत, एक मॉलिक्यूल नहीं होता, आपको याद करना है हमारा ये जो वायरस है उसके पास दो सिंगल स्ट्रैंडेड, टू सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, और दो ही उसके पास क्या होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो अपनी पूरी तैयारी करके चलता है अटैक करने के लिए, है ना, और ये उसके ऊपर बैठे हैं हमारे ग्लाइकोप्रोटीन, ये लिपिड बायलेयर जो है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी पे रिसेप्टर जो है CD4 रिसेप्टर, उस पर अटैक करते हैं। तो उसके पास हमें याद रखना है HIV के पास दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के, और दो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के, तो सारी स्टेटमेंट हमारी रोंग है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है कॉजेटिव एजेंट HIV के लिए। तो याद रखना है, डायग्राम में भी गिवन है, आपको दो याद रखने हैं, दो सिंगल स्ट्रैंडेड है और दो ही उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन, कैंसर सेल के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, अब नॉट ट्रू देखना है, यहां देखते हैं रिस्पेक्टिव है म्यूटेशन, म्यूटेशन
इन प्रोटोन को जिन एक्सलरेट द सेल साइकिल, ठीक है। आपको पता है बच्चे प्रोटोन को जिन एक नॉर्मल सेल का हिस्सा है, अब ये प्रोटोन को जिन, जिनको हम पी ऑनकोजिन भी बोलते हैं या हम इनको सेलुलर ऑनकोजिन भी बोलते हैं, ऑनकोजिन, इट गेट एक्टिव, जब ये एक्टिव होते हैं तो इनको ऑनकोजिन बोलते हैं। ये ऑनकोजिन कैंसर कॉज करता है, मींस हम सबकी बॉडी में प्रोटो ऑनकोजिन है, बट अगर वो एक्टिव हो जाए तो वो ऑनकोजिन कहलाएंगे जो क्या कॉज करेंगे, कैंसर। अब हमें नॉट ट्रू बताना है तो ये तो बिल्कुल ठीक है, म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टेलोमरेज इनहिबिटर, ये भी ठीक है। म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, बिल्कुल ठीक है, म्यूटेशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इनएक्टिवेट। म्यूटेशन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज, ये वाला स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, क्योंकि यहां पर आना था डज नॉट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज, तो इसका आंसर तब ऑप्शन डी जो है, इसीलिए ये नॉट ट्रू है। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, म्यूटेशन की रिलेशन में पूछा था, तो यहां पर डज नॉट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज। आपको पता है टेलोमरेज कौन सी स्टेज होती है, मियोसिस आपने पढ़ा था, माइटोसिस आपने पढ़ा था, तो हमारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और हमारी जो लास्ट थी जो टेलोफेज था, तो यहां पर वो क्रोमोजोम के साइकिल की बात करा कि टेलोमरेज को जो है आपने क्रोमोजोम का देखा था, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, तो यहां पर म्यूटेशन जो है ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसने इनहिबिट लिखा, तो यहां पर आना था डज नॉट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म है बच्चे, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें हम, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोवा है, प्रोटोजोन है, फंगी है ना, ऐसे बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करते प्लांट एनिमल, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। वेक्टर तो ट्रांसमीटर होते हैं, इंसेक्ट आपको पता ही है, तो पैथोजेंस क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, ऐसा अब आने के चांसेस कम है, इतना आसान नहीं आएगा बच्चों। 23 इन हायर वर्टिब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्यूस द सेल और नॉन सेल, दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट। अब ये कह रहा है हमारी बॉडी नॉर्मली सेल्फ और नॉन सेल्फ में पहचान करती है ना, हमारी बॉडी को पता है कि ये मेरे पास बॉडी के अंदर जो सेल है ये मेरी है और बाहर से अगर कुछ एंटर किया है वो मेरे लिए फॉरेन है। बट ये कहता है अगर किसी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से वो सेल्फ सेल्फ पे अटैक कर देती है, क्योंकि उसके अंदर ये सेल्फ और नॉन सेल्फ की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई है, तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या टर्म देंगे, एलर्जिक रिस्पॉन्स गलत, ग्राफ्ट रिजेक्शन गलत, ऑब्वियसली ऑटो इम्यून, ऑटो से याद रखो ना आप, सेल्फ सेल्फ सेल को खाना, ऑटो इम्यूनिटी अपने आप को नुकसान पहुंचाना, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ऑटो इम्यूनिटी यानी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमन, यस अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा वायरस नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमन, सीमन इज अ काइंड ऑफ फ्लूड, फ्लूड हो गया ना, इन्फेक्टेड मेल। अब वो वायरल डिजीज है ऑब्वियसली, ये जो चारों है ये वायरल डिजीज है, ये तो कंफर्म है ना, ये वायरल डिजीज है, तो चिकनगुनिया ही इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो चिकनगुनिया है बच्चे वो एक कैरियर से हो रहा है, एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी, जो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो है उसकी वजह से हो रहा है, ना कि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ फ्लूड की वजह से हो रहा है, जैसे HIV है आपका, हेपेटाइटिस बी है, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्लूड के कॉन्टेक्ट में, इट मे बी सलाइवा हो सकता है, सॉरी सलाइवा नहीं, हम बोलेंगे प्रॉपरली सीमन हो गया, ब्लड हो गया, ओके उनके कॉन्टेक्ट से होगा, इज दैट क्लियर। बट यहां पर चिकनगुनिया इसका नॉट ट्रांसफर्ड था, तो इसका आंसर बच्चे चिकनगुनिया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना था, हमने ध्यान से देखा है ना, तो सारी वायरल डिजीज है जो सीमन के कॉन्टेक्ट से नहीं फैलेगी वो चिकनगुनिया है। अब ये क्या है,
मैच ईच डिजीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन, ये भी आपको पढ़ना है कि डायरेक्ट मैच किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। अब ये वैक्सीन तैयार की गई है तो इनके लिए पूछा गया है, जैसे अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की तो ट्यूबरक्लोसिस का क्या रहेगा, हार्मलेस बैक्टीरिया। यस, ट्यूबरक्लोसिस का रहेगा हार्मलेस बैक्टीरिया। ठीक है, वूपिंग कफ, अब वूपिंग कफ जो है उसके लिए जो वैक्सीन तैयार की गई है वो है किल्ड बैक्टीरिया, किल्ड बैक्टीरिया। डिप्थीरिया की अगर हम बात करें तो डिप्थीरिया और हमारी जो पोलियो बच गई तो डिप्थीरिया में आएगा इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। पोलियो बच गया, ये हमारा क्या है, हार्मलेस वायरस। ये वैक्सीन कैसे तैयार की गई है, किस ऑर्गेनिज्म को हमने हार्मलेस किया था, किसको इनएक्टिवेट किया है, किसको किल किया है, क्योंकि जो हमारी वैक्सीन तैयार की जाती है वो उसी ऑर्गेनिज्म को डेड करके या किल करके तैयार की जाती है। इज दैट क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में गिवन तो नहीं है, बट ये डिजीज सारी गिवन है तो हमें इसके कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना है। 2015 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या पता लग रहा है बच्चे, ऑप्शन ए लग रहा है। यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस का हमारा हार्मलेस था, वो पिंक कप का हमारा क्या है, किल्ड बैक्टीरिया है, और डिप्थीरिया का हमारा इनएक्टिवेट टॉक्सिन है, और पोलियो का हार्मलेस वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआईवी दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। ऑब्वियसली जब एच आई वी इंफेक्शन होता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो उसी को मारेगा जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे पावरफुल सोल्जर है। इज दैट क्लियर? तो पावरफुल सोल्जर क्या है हमारी बॉडी में, मैक्रोफेजेस एंड टी हेल्पर सेल है, जो हमें इम्यूनिटी देते हैं। तो अगर इस वायरस को सबसे पहले किल करना है तो वो किसको मारेगा, ऑप्शन रीड करते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट। इज दैट क्लियर? करेक्ट आंसर क्या है इसका, हेल्पर टी लिम्फोसाइट ए। 27, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटा अमीबा हिस्टोलिटी का फीड्स अपॉन। अब एंटा अमीबा हिस्टोलिटी का जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एक प्रोटोजोन है और ये डिजीज कोज करता है अमीबायोसिस। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं इसके एक्टिव फॉर्म किसके वजह से होता है, ये फूड इन इंटेस्टाइन, ब्लड ओनली, एरिथ्रोसाइट, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ऑफ कोलन, म्यूकोसा एंड सब बेटर नहीं। इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि हमारा जो ब्लड भी रिलीज हो जाता है तो ब्लड यानी एरिथ्रोसाइट के लिए लिखा है, और म्यूकोसा सब म्यूकोसा हमारे क्रैम्प्स भी आते हैं, है ना, ब्लड भी रिलीज होता है इंटेस्टाइन से कई बार, इतना ज्यादा ये खतरनाक कॉज करता है, हमारे इंटेस्टाइन पे कॉज करता है, बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी रहेगा। इज दैट क्लियर? एट विच स्टेज ऑफ एच आई वी इंफेक्शन डज वन यूजली शो द सिम्टम्स ऑफ एड्स। आपने देखा बच्चे एच आई वी यानी एड्स पे हमारे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इसमें पूछा है व्हेन द वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, विद इन द 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इंफेक्टेड पर्सन, गलत, व्हेन द इंफेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर द होस्ट, व्हेन एचआईवी डैमेज द लार्ज नंबर। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कौन सी स्टेज है एचआईवी के इंफेक्शन की, इनमें से जो हमारे एड्स के सिम्टम्स को दिखाना शुरू कर देगी। अब एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इट मींस यहाँ पे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, कब, जब हमारी बॉडी का जो सोल्जर सेल थी एक तरीके से टी हेल्पर सेल, उसका नंबर ज्यादा डैमेज कर देगा एचआईवी, तब हमारी इम्यूनिटी वीक होगी और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विजिबल होंगे, तो इसी वजह से हमें एड्स होने का खतरा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर आना था जब वो बहुत सारी टी हेल्पर सेल को मार गिराएगा। लास्टली अगर हम देखें 29, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी 2013, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय, अब सेल मीडिएटेड हमने इसका क्वेश्चन भी किया था, ग्राफ्ट रिजेक्शन में काम आती है और टी लिम्फोसाइट इसके साथ एसोसिएटेड है। ऐसा क्यों, क्योंकि टी लिम्फोसाइट डू नॉट
प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी नहीं बनाता है बट ये बी की मदद करता है, तो बी तो हो नहीं सकता था, बी में बी वर्ड आ गया तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन बी करेगा, तो यहां पर इसीलिए ये AMIS यानी हम बोलेंगे इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे या ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोलेंगे, बट सेल मीडिएटेड वाले को हम क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट से एसोसिएटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस चैप्टर का भी अभी यहां से लास्ट ही कर रहे हैं, क्वेश्चन 30, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर्स बाय, एस्केरिस जो है हमारी ये भी हेलमिंथिस है यानी एक वॉर्म्स की वजह से होती है राउंड वॉर्म, अब इस बीमारी को बोलेंगे एस्केरियसिस, अब ये भी इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है, तो ये कह रहे इन्फेक्शन कैसे लीड होगा, मॉस्किटो की बाइट से नहीं, ड्रिंकिंग द वॉटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्केरिस ऐसा नहीं, आगे देखते पूरा, ईटिंग परफेक्टली कुक्ड पोर्क एंड टेसी टेसी फ्लाई, बस तो इसका आंसर आना था बच्चे ड्रिंकिंग वॉटर कंटेनिंग एग ऑफ यानी कंटेमिनेटेड फूड एंड वॉटर से हो रही है जिसमें एग भी है एस्केरिस के, बिल्कुल ठीक है, तो यहां पर कंटेमिनेटेड वॉटर है, ये कैसा वॉटर हो गया, ये कंटामिनेटेड वॉटर है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। तो आज की हमारी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के लिए रहेगा, ठीक है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यूटी से बने रहिएगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू एवरीवन।